इतने दिन के मतलब वीडियो बनाने के बाद फाइनली आज जाके रिजल्ट मिला। सो थर्सडे को हमारे रावत जी के निर्देशन में ये रोड खुली जा रही है। जैसे गुजारिश है कि इसे फटाफट की जड़ साफ हो जाए, देख सकते हो परेशानी हो रही है। ग्रीस दा कितनी परेशानी हो रही है, खाली टैक्सी दे रहे हैं हम यार, कहाँ सफाई भी नहीं कर रहे हैं टैक्सी देने के साथ साथ में। तो नगर पालिका का क्या फायदा हुआ फिर? ये आप सोचे नगर पालिका क्या करेगी? कल से एप्लीकेशन लिख के तैयार रखा है यहाँ, कपड़ा बहुत सही है, कलर फेड नहीं होगा और बहुत बढ़िया। और तुम बताना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब ओके ओके रिपोर्ट ना। तो बारी फिर से दिखा देना पीछे का जो एड्रेस है, तो देख सकते हो गाइस एनीमे के सारे कैरेक्टर के आए। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैं अभी जिम से आ गया हूँ और नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और बाकी देख सकते हो बॉडी काफ़ी सही हो गई और सफाई वगैरह हो चुकी है। झाड़ू पोछा जैसे अंदर वाले में पूरा हो गया है और बाहर वाले में भी झाड़ू पोछा हो गया, अब आर्टिकल लगने हैं। सो गाइस आर्टिकल लगा के फिर आपको मिलता हूँ। तो ये वीरू हेलो बोलते सबको। सो मॉर्निंग गाइस, तो दिस इज थर्सडे और सारा आर्टिकल वगैरह एक बार लग जाएगा, तो उसके बाद मिलता हूँ। सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये थर्सडे है और थर्सडे को जो कल मेरा नया सामान आया था टी शर्ट में, तो कुछ अपने छोटे भाई लोग आए जिन्होंने यहाँ से टी शर्ट लिया, तो उन पर कईयों हार्ड लग रहा है, तो अभी उनसे रिव्यू ले लेते हैं। तो देख सकते हो गाइज, तो अपना नाम बता दो छोटे भाई। सागर धामी, अपना नाम बता दो। फैब्रिक कपड़ा बहुत सही है इसमें, कपड़ा बहुत सही है, कलर फेड नहीं होगा और बहुत बढ़िया। और तुम बताना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मतलब ओके ओके रिपोर्ट ना। तो बारी फिर से दिखा देना पीछे का जो एड्रेस है, तो देख सकते हो गाइस एनीमे के सारे कैरेक्टर के आईज और देख सकते हो लीन लाइक अ कूल, तो बहुत ही क्लासी में आर्टिकल है। तो लोगों से क्या कहना चाहोगे? मतलब देख रहे आओ दुकान में लो, मतलब बहुत अच्छा सामान है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए बड़ी, थैंक यू सो मच। कम एंड विजिट एंड गेट योर कलेक्शन फर्स्ट, बाद में ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप मत भूलिएगा। सो हेलो एवरीवन, सो गाइज मेरे को ये टी शर्ट पर्सनली बहुत अच्छी लगी, तो मैं खुद ये पहन रहा हूँ पैंथर में, देख सकते हो इसका गला भी काफ़ी अच्छा है और एकदम महाराजा वाली फीलिंग देता है, ऊपर अलग नीचे अलग यानी मिक्स कलर है। तो मैं ये शर्ट उतार देता हूँ और पहन लेता हूँ ये टी शर्ट। सो गाइज बताइए कैसा लग रहा है, तो देख सकते हो टी शर्ट काफ़ी फैब्रिक भी अच्छा है इसका और कईयो हार्ड है, मतलब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे। सो डू कम एंड गेट योर कलेक्शन लाइक दिस न्यू फैशन न्यू ट्रेंड इन माय शॉप ओनली। सो ये नेगीज फैशन हब मल्ली बाजार धारचूला। हेलो बिरू, ठीक हो रहा है? तू भी चूज करेगा ये टी शर्ट ना बहुत जल्दी। गाइस आज मल्ली बाजार का रास्ता खुल चुका है, तो देख सकते हो मल्ली बाजार का रास्ता, सांस में सांस आई। और ये हमारे रावत जी, तो सर जी नमस्कार। तो सर जय श्री राम। तो ये रोड खोलने का कार्य आज से शुरू हो चुका है, तो कब तक ये क्लियर हो जाएगा? हो गया आज के दिन में ना? चलो ठीक है, तो देख सकते हो गाइस अब आप लोग आवाज आ भी कर सकते हो मल्ली बाजार से कल से, तो ये मतलब आज शाम से ही ना, आज से मतलब हो जाएगा। तो बाकी खड़ी गली का काम भी चल रहा है काफ़ी अच्छी, देख सकते हैं नीचे तक। तो सो नाउ गाइस फाइनली मल्ली बाजार की रोड खुल चुकी है, इतने दिन के मतलब वीडियो बनाने के बाद फाइनली आज जाके रिजल्ट मिला। सो थर्सडे को हमारे रावत जी के निर्देशन में ये रोड खुली जा रही है, तो यहाँ से जो जनरेटर था वो अभी हट चुका है, ये जनरेटर भी अब अपने घर को जाएगा। सो बाकी काम वगैरह तो चल ही रहा है। पूरे 4 महीने बाद ये रोड खुल रही है, तो आप लोग अब मल्ली बाजार से आवाजाही कर सकते हो, पैदल और गाड़ी से कर सकते हो, क्योंकि रोड फाइनली खुल चुकी है, तो आप लोग मल्ली बाजार से ही घूम के आ सकते हो।
सो गाइस रोड खुल चुकी है तो अब आप मल्ली बाजार से विजिट कर सकते हो मेरे शॉप में, यानी कि मल्ली बाजार से डायरेक्ट आओगे तो गाड़ी से भी आ सकते हो, सामने पार्किंग बन रही है तो पार्किंग पे भी बैठ के चिल मार सकते हो। देखिए यहाँ पे मल्ली बाजार की हालत, खुल तो गई है रोड पर, क्या कीचड़ कीचड़ है। क्या बोल रहे हो? खाली टैक्स ही दे रहे हैं हम यार, कहाँ सफाई भी हम ही कर रहे हैं टैक्स देने के साथ साथ में। तो नगर पालिका का क्या फायदा हुआ? ये आप सोचे नगर पालिका क्या करेगी, कल से एप्लीकेशन लिख के तैयार रखा है यहाँ पर, कोई देखने को तैयार नहीं। वार्ड सभासद साहब आए थे अपने यहाँ पर आज, वो देख कर और बोल कर चले गए हैं, लेकिन कर्मचारी कोई अभी तक नहीं पहुँचा है। तो देख सकते हो पूरा कीचड़ ही कीचड़ है ढंग से यहाँ पे। तो देखिए नगर पालिका इस चीज़ को ज़रा संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे सारे लोग लगभग परेशानी है, पैदल यात्री भी नहीं चल पा रहे ढंग से, पैदल यात्री तो छोड़ो गाड़ियाँ जा रही, तो दुकानों के अंदर कीचड़ उछालते हुए आ रही है। देखिए रोड तो खुल चुकी है पर किस तरीके से खुली है देख सकते हो, चल पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। देखिए मल्ली बाजार में व्यापारी भाइयों को परेशानी हो रही है, तो नगर पालिका से गुजारिश है कि इसे फटाफट कीचड़ साफ हो जाए, देख सकते हो परेशानी हो रही है। गिरीश दा कितनी परेशानी हो रही है, कीचड़ ही कीचड़ है यार, ये सब गाड़ी चल के ऊपर ही आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे रोड तो खुल गया है पर ऐसे रोड का क्या फ़ायदा जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है, नुकसान हो रहा है पूरा सबका, देख सकते हो यहाँ पे। बाजार के रोड खुलने के बाद में नगर पालिका कोई कर्मचारी नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि कुछ कर लिया जाए कल से। कल से ऐसी है नहीं, कल से इससे बुरी कंडीशन में है। तो व्यापारी लोग खुद साफ कर रहे हैं ये सब चीजें। देखिए जो धारजुला का इरीगेशन है वो भी बहुत लापरवाह है, ये पानी पता नहीं कहाँ से बह रहा है। आ रहा हूँ। देखिए बहुत ही जर्जर हालत में मल्ली बाजार की व्यवस्था, और देखिए पाइप भी टूटी पड़ी है। रास्ता खुल चुका है मल्ली बाजार का देख सकते हो। तो गाइस फाइनली ये एंड ऑफ द डे है, और मैं थोड़ा सा अपना बैग लेके आया था, तो यहाँ पे दीवार बन रही है और ये रास्ता खुल चुका है, ये देख सकते हो पीछे और आगे खुल चुका है पूरा रास्ता मल्ली बाजार का, तो आप लोग आ सकते हो। अभी थोड़ा सा कीचड़ है तो कीचड़ तो साफ हो ही जाएगा, एंड फाइनली गाइस मल्ली बाजार का रास्ता खुल गया है। सो काफ़ी कोशिशों के बाद कई वीडियो बनाए मैंने, सो नाउ इज खुल गया है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, रास्ता खुल गया है भैया मल्ली बाजार का।